आज हम लोग डबल इंट्री सिस्टम में एक्सरसाइज 7 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 7 का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। आज थर्ड लेक्चर है हम लोगों का। आप लोगों को पिछले क्लास में पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में बता दिया, आज हम लोग नॉमिनल अकाउंट के बारे में देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या है? तो थर्ड रूल्स है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? इसमें इनकम आएगा, एक्सपेंसेज आएगा, प्रॉफिट आएगा और लॉस आएगा। चार बात बताए, प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंसेज इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। बोलता है इट इंक्लूड्स प्रॉफिट कॉमा लॉस कॉमा इनकम एंड एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में यही चार आता है, जितने भी तरह के इनकम है और जितने भी तरह के एक्सपेंसेज है। जैसे एग्जांपल, रेंट हमारा क्या है? खर्च है। सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारा नॉमिनल अकाउंट है। ये सारा का सारा एक्सपेंसेस भी है और इनकम भी है। जैसे रेंट अगर पे करेंगे, रेंट पेड लिख दें तो एक्सपेंसेस बन जाएगा, और रेंट रिसीव लिख दें तो इनकम बन जाएगा। सैलरी पे करेंगे तो एक्सपेंसेस हो जाएगा, और सैलरी रिसीव करेंगे तो इनकम हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। रेंट आता है, सैलरी आता है, वेजेज आता है, कमीशन आता है, इंटरेस्ट आता है। बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन जब मार्केट में पैसा उधार देता है ना, सामान क्रेडिट में देता है, तो पैसा सारा रिकवरी कर लेता है या कुछ बैड हो जाता है, डूब जाता है। एक बिजनेसमैन जितना क्रेडिट में सेल करता है, सारा का सारा मार्केट से पैसा रिकवर कर लेता है, वसूल लेता है, या कुछ डूबता है। जो डूब जाता है उसी को बैड डेब्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट। और हर बिजनेसमैन के साथ होता है, कुछ ना कुछ पैसा आपका डूब जाएगा, उसको बैड डेब्ट के नाम से जानेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जब आप जैसे भी किसी फिक्स एसेट को यूज करते हैं, फिक्स एसेट कोई भी हो, लैंड को छोड़ के, ज़मीन को छोड़ के, बाकी कोई भी फिक्स एसेट को यूज करते हैं, तो उसका वैल्यू कंटिन्यूअस नीचे जाता है, डिक्रीज करता है। और उसी डिक्रीज करने के रीजन को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। बताइए, जो बेंच जितने में खरीदे थे आज बेचेंगे उतना ही मिलेगा? कार जितने में खरीदे थे 3 साल बाद बेचेंगे सेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आखिर वैल्यू जो डिक्रीज कर रहा है उसका, वो किस कारण से हो रहा है? डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड। ज़मीन को छोड़ के ज़मीन का वैल्यू नहीं घटता है, उसका वैल्यू हमेशा बढ़ता है। तो ज़मीन में डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वहाँ पे एप्रिसिएशन लगता है, एप्रिसिएट हो जाता है वो। और बाकी सारे एसेट्स में लगता है डेप्रिसिएशन। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी देख लेना, उसका वैल्यू घटेगा। टाइम जैसे जैसे जाएगा उसका वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। और सिर्फ लैंड का वैल्यू बढ़ जाएगा, बाकी सारे का वैल्यू घट जाएगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट। कौन कौन सा चीज़ आता है? तो बोलता है सारे इनकम आएगा, सारा एक्सपेंसेस आएगा, सब नॉमिनल के अंदर कवर्ड होगा। इसका रूल क्या होगा डेबिट क्रेडिट करने का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड क्रेडिट ऑल देख लो रूल्स है। बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, सारे एक्सपेंसेज और लॉसेज को डेबिट करेंगे, और सारे इनकम और गेन को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब आपको कैसे मालूम कि कौन एक्सपेंसेज कौन इनकम? तो बताइए, जो आप पे करेंगे वो आपके लिए क्या इनकम है या एक्सपेंसेज है? पेमेंट एक्सपेंसेज का होता है, रिसीव करेंगे तो इनकम है। तो ये नाम से ही पता चल जाएगा कि वो एक्सपेंसेज है या इनकम है, क्योंकि लिखा है सैलरी पेड तो एक्सपेंसेज, सैलरी रिसीव तो इनकम। और यही रूल लगाना कि जितने एक्सपेंसेज होंगे सारे को डेबिट करेंगे, और जितना इनकम होगा उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर? और एक बात और बता दें कि नॉमिनल अकाउंट दो किसी भी ट्रांजेक्शन में दो नॉमिनल अकाउंट नहीं हो सकता। दूसरा है, नॉमिनल नॉमिनल मिलकर कभी कोई ट्रांजेक्शन क्रिएट कर ही नहीं सकता। नॉमिनल अकाउंट को ट्रांजेक्शन बनाने के लिए एक रियल अकाउंट का सपोर्ट लेना पड़ता है। मतलब है, एक दोनों में से कोई एक ही नियम लगेगा। जैसे रियल में दोनों लग रहा था ना, कि रिसीवर गिवर, यहाँ पे दोनों नहीं लगेगा, कोई एक लगेगा। क्योंकि या तो बिजनेस में एक्सपेंसेज होगा या तो इनकम होगा। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिससे दोनों होता है?
इसलिए एक ही लगेगा, एक्सपेंसेस वाला लगेगा, तो एक पार्टी एक्सपेंसेस होगा और दूसरा पार्टी रियल अकाउंट से आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला ट्रांजेक्शन है पेड रेंट। अब बताओ रेंट पे कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या इनकम है या एक्सपेंसेज है? एक्सपेंसेज है। क्या रूल बताता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। तो यहाँ हमारा एक्सपेंसेज का नाम क्या है? रेंट। तो रेंट को कर देंगे डेबिट। क्लियर? रेंट डेबिट क्यों हो रहा है? रेंट यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेज है। और रेंट के बदले में आप क्या पे करते हैं? इन बिहाफ ऑफ रेंट हम पे क्या करते हैं? टमाटर देते होंगे, आलू देते होंगे या पैसा देते होंगे? पैसा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा टू हट के, टू कैश अकाउंट। इसका मतलब है कि रेंट हमने पे किया, रेंट हमारा एक्सपेंसेस था, और रेंट के बदले में क्या पे किए? कैश। तो कैश गोज आउट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक नॉमिनल अकाउंट है और एक रियल अकाउंट है। नॉमिनल नॉमिनल कभी ट्रांजेक्शन नहीं बना सकता, यानी इस दुनिया में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं कि दोनों नॉमिनल अकाउंट मिलकर ट्रांजेक्शन बनेगा। तो हमेशा नॉमिनल को कौन सपोर्ट करेगा? रियल अकाउंट। क्योंकि किसी भी खर्चे को पेमेंट आप कैसे करोगे? कैसे ही तो करोगे, कैश रियल अकाउंट है। अच्छा, किसी भी इनकम को रिसीव आप कैसे करोगे? कैश में करोगे, कैश रियल अकाउंट है। तो हमेशा रियल उसको सपोर्ट करेगा। तो रेंट पेड करेंगे तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज को क्या करना है? डेबिट। तो कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश। नरेशन क्या होगा इसका? बींग पेड रेंट 1000। एक और बताइए। अच्छा, बताने की जरूरत नहीं, यहीं से सब सीख गए। आप सारे बच्चे बताएंगे रेंट पे कर रहे थे तो लिख रहे थे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप सैलरी पे करोगे तो क्या लिखोगे? अगर आप सैलरी पे करोगे तो लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप वेजेस पे करोगे तो क्या लिखोगे? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप कमीशन पे करोगे तो क्या लिखोगे? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या चेंज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज कर देना, बाकी सेम रहेगा। अब एक का नहीं सीखे आप, किसी का भी सीख गए। जितने एक्सपेंसेज है सारे एक्सपेंसेज का सीख गए। जो पे करेंगे उसके लिए, जैसे इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश मत कर देना, डेप्रिसिएशन के साथ मशीनरी होता है। डेप्रिसिएशन के बदले में पे नहीं करना पड़ता कुछ, ठीक है, वो वैल्यू घट जाता है। अब हम लोग लिखते हैं इसका उल्टा, एग्जाम्पल नंबर टू उल्टा लिख लीजिए। रिसिप्ट रेंट, बताओ रेंट रिसीव कर रहे हैं 5000 का, क्या होगा? रेंट रिसीव करेंगे तो रेंट रिसीव आपके लिए एक्सपेंसेज है कि इनकम है? रेंट अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंसेज है? इनकम है। और इनकम को क्या करने बोला है? क्रेडिट। बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम से, सारे इनकम को क्या करना है? क्रेडिट। तो रेंट को यहाँ क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट में क्या जाएगा? तो रेंट के बदले में क्या मिल रहा होगा आपको? कैश ना, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। देखिए इसका उल्टा है, रेंट पे करेंगे तो क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव करेंगे तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। और सारे बच्चों को अभी रिपीट करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए सारे बच्चे बताएंगे, अभी हम पूछेंगे कि इसका एंट्री क्या होगा, रिसीव का पे कर, ठीक है? बताओ सैलरी पे कर रहे थे तो क्या एंट्री बनता? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव करेंगे तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अगर हम लोग वेजेस पे कर रहे थे तो क्या बनेगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और रिसीव करेंगे तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस। यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर चलेगा। कमीशन पे करेंगे तो क्या बनेगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और रिसीव करेंगे तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। यही कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप करना आपको, कोई दिक्कत है? और ये है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का कोई टाइप नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट का कोई टाइप नहीं होता है। इसके अंदर एक्सपेंसेज और इनकम को इंक्लूड किया जाता है, और रूल्स बोलता है कि सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो और लॉसेस को भी डेबिट कर दो, और सारे इनकम और गेन को क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। इसको लिखिए, फिर हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। ये पुराना नियम आपका कंप्लीट हो गया, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट लिख लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे।
मॉडर्न कॉन्सेप्ट को हम लोग अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं क्योंकि अमेरिका इसको डेवलप किया है। और आप लोगों को बता दें, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जितना टफ था ना, बहुत टफ है उसमें डेबिट क्रेडिट करना। अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि किस अकाउंट में आता है, पर्सनल रियल नॉमिनल। फिर वो जानने के बाद पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स लगाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले तो यही छाटना मुश्किल हो जाएगा कि उसमें पार्टी जो इन्वॉल्व है उस ट्रांजेक्शन में, वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है या नॉमिनल अकाउंट से। फिर से रिपीट करें, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सबसे टफ है क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन दिया रहता है तो सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन में जो दो पार्टी इन्वॉल्व होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है दो पार्टी होता है, सिंगल पार्टी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। तो अगर दो पार्टी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो दोनों पार्टी में से कौन रियल अकाउंट है, कौन नॉमिनल अकाउंट है, कौन पर्सनल अकाउंट है, पहले ये छांटना पड़ेगा, सबसे पहले ये क्लासिफाई करना पड़ेगा। फिर क्या करना होगा, अगर रियल अकाउंट है तो रियल का रूल लगाएंगे, नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल लगाएंगे, और पर्सनल है तो पर्सनल का रूल लगाएंगे, जो कि बहुत टफ है आपके लिए। बहुत बच्चा रट्टा तो मार लेता है परचेज बिजनेस का, या जैसे रेंट पेड का भी बता रहे थे, सब बच्चा याद है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों होता है पता नहीं, बट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। ये क्यों का जवाब उसके पास नहीं है, क्योंकि उसको ये चीज़ नहीं पता चल रहा। वो तीन स्टेप है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन के दो पार्टी को ढूंढना है, फिर वो दोनों पार्टी किस अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल रियल नॉमिनल, वो सेलेक्ट करना है, और फिर उस पर रूल लगाना है, तब वो बनेगा जनरल। और आपको मॉडर्न में इतना ईजी है कि समझना सिर्फ है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट सबसे आसान है, एक बार समझ गया तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी जैसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करते थे ना, वैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कितने तरह से बांटा गया है अकाउंट्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितने तरह से बांटा गया है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो याद रखना है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अकाउंट्स को पांच कैटेगरी में बांटा गया है। पांच कैटेगरी में से सबसे पहला है एसेट्स, सबसे पहला है एसेट्स, ये डेबिट बैलेंस रखता है। दूसरा है लायबिलिटी, ये क्रेडिट बैलेंस रखता है। तीसरा है कैपिटल, ये क्रेडिट बैलेंस रखता है। चौथा है इनकम, ये भी क्रेडिट बैलेंस रखता है। और पांचवा हो गया एक्सपेंसेस, ये डेबिट बैलेंस रखता है। ये पांच तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वहाँ हम लोग को रियल, पर्सनल, नॉमिनल यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे ये पढ़ना है। अब आप सब लोग जानते हो सबका मीनिंग, एसेट का मतलब प्रॉपर्टी, लायबिलिटी का मतलब लोन, कैपिटल का मतलब ऑनर जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल होता है, इनकम आप जानते हो, एक्सपेंसेस जानते हो, तो दुनिया का हर आदमी जानता है। अब ये पांच ही तरीके, यानी दुनिया में जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि भूल जाइए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को, और दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन यही पांचों से रिलेटेड होते हैं, यही पांच उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें से पांच में से कोई दो तो जरूर होगा ट्रांजेक्शन में। जैसे रेंट पेड किए थे ना, तो दो पार्टी था, एक रेंट था और एक कैश था, एक रेंट था और एक कैश। बताओ रेंट किस में आना चाहिए, एक्सपेंसेस, और कैश किस में आना चाहिए, एसेट्स, यही दोनों ना। तो यही दोनों लॉजिक लगेगा, ये तीनों का कुछ नहीं, ये दोनों लगेगा रेंट पेड में। अब वही रेंट पेड को हम इसी से बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत है, रेंट पेड में रेंट था और कैश था, कैश हमारा एसेट होता है, रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। क्या रेंट रिसीव कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, रेंट रिसीव करेंगे तो एक तो पार्टी कैश होगा, एसेट्स होगा, और दूसरा इनकम हो जाएगा, क्लियर। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एसेट ही बढ़ रहा है, एसेट ही घट रहा है, क्योंकि फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश घट रहा है, दोनों तो एसेट है। तो आपको जितने ट्रांजेक्शन इस दुनिया में है, यही पांच में से किसी दो पर इफेक्ट डालेगा। अब चलते हैं एक एक करके इसका रूल्स, ये तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और आपको देखिएगा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, तीनों का अलग अलग रूल पड़े थे, यहाँ बोलता है तीनों का नहीं, सबका एक ही रूल है, पाँचों का एक ही रूल है। देखो क्या है, वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है इंक्रीज और डिक्रीज। फर्स्ट जो डेबिट बैलेंस, इसको समझिएगा अच्छे से, जो डेबिट बैलेंस रखेगा अगर वो बढ़ गया, डेबिट बैलेंस रखने वाला अगर बढ़ गया तो डेबिट होगा। फिर से सुनिएगा, जो डेबिट बैलेंस रखता है, कौन कौन डेबिट बैलेंस रखता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये दोनों डेबिट बैलेंस रखता है, अगर ये लोग बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। फिर से सुनेगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों डेबिट बैलेंस रखता है, अगर ये बढ़ा, आप तो ट्रांजेक्शन जब पढ़ोगे तो इतना तो पता चल जाएगा कि बढ़ेगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, और घट गया तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। प्लस माइनस की तरह है, प्लस को बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए, प्लस, यानी सेम काम,
तो डेबिट को बढ़ाना हो डेबिट, और घटाना हो तो क्या करना है क्रेडिट। अब अगर कोई क्रेडिट बैलेंस रखने वाला आ गया, क्रेडिट बैलेंस ये तीनों रखता है, अगर ये तीनों को बढ़ाना हो आपको, तो क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना हो तो क्रेडिट, और घटाना हो तो क्या करेंगे डेबिट। बात समझ आई? फिर से ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट। अब मान लो 50,000 रुपये का आपने लोन ले रखा है, तो 50,000 का लोन है तो 50,000 का लायबिलिटी है, और 20,000 का लोन और ले लिया आप, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या करोगे? क्रेडिट कर दो, तो बढ़ जाएगा लायबिलिटी। क्रेडिट होता है, क्रेडिट और कर देंगे। जैसे रमेश से लिए थे तो रमेश का क्रेडिट दिख रहा था 50,000, 20,000 का और ले लिए, तो रमेश को 20,000 से और क्रेडिट कर दो, तो लोन और बढ़ गया। बात समझ आई? तो यही कॉन्सेप्ट है जिससे हम डेबिट और क्रेडिट के जरिए सारा का अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो फिर से रिपीट करना, अभी सिर्फ बेसिक चीज़ देखना, हम यहाँ ट्रांजेक्शन जब सॉल्व करके दिखाएंगे तब आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि अभी एसेट्स डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इनकम क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस रखता है, और लॉजिक क्या है कि डेबिट अगर बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। देखो सेम है, क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट और डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट, घटने पर उल्टा है देख लो, क्योंकि प्लस और माइनस की तरह। बताओ माइनस वाला बैलेंस को बढ़ाना हो तो क्या करोगे? माइनस वाला बैलेंस को बढ़ाना हो तो माइनस ही करना पड़ेगा, यानी सेम काम, और घटाना हो तो प्लस करना पड़ेगा, जस्ट काम यहाँ है। अब चलते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं रेंट पेड का ही। बताओ पेड रेंट उधर से आप लोग बनाए थे 1,000। ट्रेडिशनल रूल में बताएं पेड रेंट का होता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बट कैसे होता है तो यहाँ भी देखो प्रूफ करके दिखाएंगे। पेड रेंट, दो पार्टी इन्वॉल्व है इसमें, एक रेंट है एक कैश है, क्योंकि रेंट तो हम कैश में ना देंगे, तो एक रेंट है और एक क्या है? कैश है। अब ध्यान दीजिए, इधर रेंट क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस। कैश क्या कहलाता है? एसेट्स। दोनों कौन सा बैलेंस रखा हुआ है? डेबिट। लॉजिक क्या है डेबिट का? इधर ध्यान दीजिए, डेबिट का लॉजिक है जो बढ़ रहा है उसको डेबिट करो, जो घट रहा है उसको क्रेडिट करो। बताओ क्या बढ़ रहा होगा? रेंट जब पे करेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा और कैश घटेगा, तो बोलता है जो बढ़ेगा उसको डेबिट करो, तो क्या बढ़ रहा है मेरा? रेंट। और क्या घट रहा है? कोई प्रॉब्लम है? कल आपको बताया गया था परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। अब बताइए फर्नीचर परचेज करेंगे तो दो पार्टी इन्वॉल्व होगा, एक फर्नीचर एक कैश। अब बताओ क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? फर्नीचर बढ़ेगा और कैश घटेगा। अब देखो फर्नीचर और कैश दोनों एसेट्स होता है, फर्नीचर और कैश के दोनों क्या होता है? दोनों एसेट्स होता है, तो एसेट्स का क्या है? डेबिट बैलेंस। लॉजिक क्या बोलता है डेबिट वाला? जो बढ़ रहा है उसको डेबिट करो, जो घट रहा है उसको क्रेडिट करो। बताओ फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा? फर्नीचर बढ़ेगा तो बोलता है जो बढ़ रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो घट रहा है उसको क्या करना है? क्रेडिट कर देना। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? यानी फर्नीचर जब भी हम परचेस करेंगे तो फर्नीचर बढ़ेगा और कैश क्या होगा? घट जाएगा, और जो बढ़ेगा उसको डेबिट करेंगे और जो घट जाएगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यही लॉजिक इसका है। अच्छा बेच देंगे तो क्या होगा? सोल्ड फर्नीचर। बताओ फिर यहाँ फर्नीचर अगर सोल्ड कर रहे हैं तो दो पार्टी है, एक कैश एक फर्नीचर, और कैश और फर्नीचर दोनों क्या होता है? एसेट्स होता है। कौन सा बैलेंस रखता है? क्या बोलता है? डेबिट वाला। जो बढ़ेगा डेबिट, जो घटेगा क्रेडिट। तो फर्नीचर सेल करने से क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा? कैश बढ़ेगा और फर्नीचर घटेगा, तो बोलता है जो बढ़ेगा डेबिट करो, तो कैश को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट, और फर्नीचर घटेगा तो फर्नीचर को क्या करना है? क्रेडिट कर देना। कोई प्रॉब्लम? बात समझ आ रही है? एक लॉजिक ध्यान देना कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ख़त्म। बताइए ट्रेडिशनल पढ़ाने में 2 क्लास लगा, मॉडर्न तो 5 मिनट में ख़त्म। आपको कौन सा इजी लग रहा है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर है, ठीक है? अगर आप समझ गए कि क्या समझना है कि ट्रांजेक्शन में जो दो पार्टी होंगे वो दोनों पार्टी इस 5 में से किस में आएंगे, ये अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वो 5 में से किस में आएंगे ये सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ नहीं बना पाओगे, तब आपको ट्रेडिशनल पढ़ने की जरूरत है। लेकिन आराम से देखिएगा तो एसेट्स का मीनिंग आपको पता है कि कौन एसेट्स होता है, लायबिलिटी का मीनिंग पता है, कैपिटल का मीनिंग पता है, इनकम का मीनिंग पता है, एक्सपेंसेस का मीनिंग पता है, तो आप सेलेक्ट कर पाओगे। ट्रांजेक्शन में तो दो पार्टी आपको चाहिए, दो से मिनिमम 2 पार्टी होगा, उससे ज़्यादा पार्टी हो सकता है, बट मिनिमम कितने पार्टी होने चाहिए? ऐसा ट्रांजेक्शन देखा हो दुनिया में कि एक अकेला पार्टी इन्वॉल्व है? हम बेच रहे हैं अकेले तो इसका मतलब बिका नहीं होगा, क्योंकि अकेले हो तो बिकेगा कैसे? जब तक कोई ना कोई खरीदने वाला नहीं आएगा तब तक बिकेगा नहीं, तो मिनिमम कितने पार्टी चाहिए? दो। तो वो दोनों पार्टी को ढूंढना है कि कौन कौन से पार्टी इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से पार्टी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो दोनों पार्टी को ढूंढना है। क्लियर?
चलिए इसको इसको लिख लीजिए क्या चैरिटी करते हैं, तो चैरिटी को ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है। ट्रांजेक्शन में दोनों पार्टी के बीच में होना चाहिए। अगर एक तरफ से हम हेल्प कर रहे हैं ना किसी को, तो हेल्प को ट्रांजेक्शन बिजनेस में नहीं माना जाता, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है। कोई दिक्कत है? अब भगवान को